प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का चैप्टर वर्णमाला लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम कम से कम समय में सॉल्व कैसे करेंगे, आइए उन सबको सीखते हैं। वर्णमाला से रिलेटिव सात टाइप के प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपसे यूजुअल प्रश्न पूछे जाएंगे। यूजुअल के बाद आती है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रिवर्स। रिवर्स के बाद आता है आपका हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, फिर आपसे पूछा जाएगा सेकेंड हाफ रिवर्स। फिर सीरीज में प्रश्न पूछा जाता है आपसे आयोग द्वारा कि अगर हम दोनों ही सीरीज को क्या, दोनों ही टर्म को चेंज कर दें, यानी फर्स्ट और सेकेंड हाफ रिवर्स को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका यूजुअल। अंग्रेजी वर्णमाला को सामान क्रम में रखने पर अंग्रेजी वर्णमाला को सामान्य क्रम में रखने पर इससे आधारित प्रश्नों की शुरुआत हम करेंगे। आइए एक एक प्रश्न को डिस्कस करते हुए चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले हम इसको बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे ए से लेके जेड तक हम अल्फाबेट की सीरीज लिखते हैं। तो आइए ए से लेके जेड तक अल्फाबेट की सीरीज लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने आपके सामने ए से लेके जेड तक की अल्फाबेट सीरीज को लिखा। अब हम ये मान के चलते हैं ये सभी के सभी अल्फाबेट जो हैं, ये सभी के सभी हमें देख रहे हैं। जब हम इनको ऐसा मान के चलेंगे तब हम निर्धारित कर पाएंगे कि अल्फाबेट का बायां टर्म कौन सा है और दायां टर्म कौन सा है। तो बायां टर्म की बात करें तो हमारे हाथ का जो बायां पोर्शन होगा वही अल्फाबेट का भी बायां पोर्शन होगा। अल्फाबेट का बायां पोर्शन लेफ्ट टर्म जो हुआ आपका ए से स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे। आइए अब हम अपने हाथ का दायां टर्म जो होगा वही अल्फाबेट का भी क्या होगा, दायां टर्म होगा। जब अल्फाबेट का दायां टर्म यानी राइट टर्म की बात हम कर रहे हैं तो राइट को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक देखा कि लेफ्ट टर्म कौन सा हुआ अल्फाबेट का और राइट टर्म कौन सा हुआ। तो आइए प्रश्न क्या कह रहा है, अगर हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवां अल्फाबेट का बायां स्टार्ट हुआ ए से, तो ए से सातवां अक्षर आपका क्या हो गया, जी हो गया ना। प्यारे मित्रों, ये एल से सातवां अक्षर आपका जी हुआ। अब प्रश्न में क्या दिया है,
कि दाएं से नौ अक्षर कौन सा होगा, सातवें अक्षर के दाएं, क्या कह रहा है, सातवें अक्षर के दाएं, के दाएं कह रहा है ना। तो जब ये कंडीशन आ जाती है कि के आ गया, तो हम उस अक्षर को काउंट नहीं करेंगे जिससे हमें चढ़ने के लिए कह रहा है, यानी हम जी को छोड़ के हम नौवां अक्षर, तो जी का दाया आपका ये पोर्शन हो गया, तो नौवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, एच से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, तो नौवां अक्षर आपका आ गया फाइंड आउट हो के पी। तो हमारे प्रश्न में क्या पूछा था कि नौ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, तो नौवां अक्षर आपका निकल के आया पी, ये आपका आंसर हो गया आंसर। प्यारे मित्रों, ये तो हुआ बेसिक तरीका वर्णमाला का, अब हम इसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाएं से सातवां अक्षर, तो बाएं से सातवां अक्षर आपका, और हम क्या करेंगे इस सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ आपसे पूछा गया है दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो इस तरह के प्रश्नों की शुरुआत हम हल करने से पहले ये एक कंडीशन होती है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। पर देखिए जैसे फर्स्ट कंडीशन हुई, अगर प्रश्न में दे रहा है लेफ्ट टू राइट, अगर प्रश्न में लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी ऐड हो जाएंगी, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन आती है, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो वर्णमाला के प्रश्नों को हल करते समय यदि अपोजिट डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाती हैं। तो ऐड होकर यहाँ आ जाएगा क्या, राइट टू लेफ्ट। अगर डायरेक्शन सेम होती वर्णमाला के प्रश्नों में, यदि डायरेक्शन सेम हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड कंडीशन हो गई लेफ्ट टू लेफ्ट, तो यहाँ डायरेक्शन सेम होने के कारण हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट। फोर्थ कंडीशन आती है प्यारे मित्रों, अगर डायरेक्शन क्या होती राइट टू राइट होती, अगर डायरेक्शन राइट टू राइट होती तो वैल्यू यहाँ पे क्या हम रखेंगे, माइनस कर देंगे आर माइनस आर, ठीक, ये हुई कंडीशन। तो अब आपके सामने प्रश्न में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ लेफ्ट है और इधर क्या राइट है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, हम ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो बाएं से आपका आएगा सोलहवां, तो बाएं से सोलहवां अक्षर जो होता है आपका पी होता है, ठीक, इतनी बात समझ में आई। लेकिन कंडीशन ये होती है कि हम बाएं से सोलहवां अक्षर निर्धारित कैसे करेंगे, हम इसको याद कैसे करें, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम वर्णमाला को पहले क्या करेंगे, स्थान उसका अक्षरों का स्थान याद कर लेंगे। उसको याद करने के लिए क्या करते हैं, ई ज्योति, आप लोगों ने ज्योति का नाम सुना होगा, ई ई ओ टी वाई, हम ई ज्योति क्यों लिखते हैं, ई से डिनोट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ई पांचवें स्थान पे होता है, ठीक है, जे का अंग्रेजी वर्णमाला में दसवां स्थान होता है, ओ का पंद्रहवां स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, टी का बीसवां स्थान होता है और वाई का पच्चीसवां स्थान होता है। टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं, जब हम ये निर्धारित कर लेंगे कि ई पांचवें हैं तो ई के पहले जितने अक्षर होंगे ना, तो ई के पहले अक्षर कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है और ए आ रहा है, तो हमें ई पता है कि पांच, ये पांच पांच के हमने गैपिंग में इसको सीरीज को लिख दिया, तो
एक डी के लिए क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, सी के लिए तीन हो जाएगा और इसी प्रकार बी के लिए दो हो जाएगा और ए के लिए वन हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसी प्रकार ई से लेके जे के बीच यानी पांच से लेके दस के बीच में टोटल कितने अल्फाबेट आएंगे, चार अल्फाबेट आएंगे ना, उनको भी हम इसी तरह डोनेट कर लेंगे। इसी प्रकार 10 से लेके 15 के बीच में चार अल्फाबेट आएंगे, उनको भी हम इन्हीं के बीच में क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। और इसी प्रकार 15 से लेके 20 में भी आएंगे, आगे इसी तरह होते रहेंगे। तो हम इस तरह अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम आगे यूजुअल क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन यूजुअल से बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नौवा अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा। अब आपसे पूछा गया प्रश्न में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नौवा अक्षर, दाएं से नौवा अक्षर है हमने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है कि नौवें अक्षर के बाएं बारहवां अक्षर कौन सा होगा, बारहवां अक्षर बाएं कह रहा है। अब यहाँ भी देखिए ये क्या है, सीरीज अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। जब ये दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी तो आप दाएं से 21 आएगा। अब ये बताइए हमने कंडीशन क्या बताई कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू निर्धारित करने के लिए हम बाएं से निर्धारित करते हैं ना, दाएं से तो निर्धारित करते नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो बायां पद फाइंड आउट करने के लिए हम 27 से दाएं टर्म को माइनस कर देंगे तो हमें बायां टर्म फाइंड आउट हो जाएगा 27 माइनस 8। अब आप इस फार्मूले के प्रयोग से आप यहाँ से एलवा पद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 27 माइनस आर 21, तो एलवा पद आपका निकल के आया यहाँ L6। L6 वर्णमाला में किसकी वैल्यू होती है, आप सभी लोग जानते हैं L6 जो वैल्यू होती है F की होती है। आपका आंसर निकल, देखिए आपके सामने एक प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नौवां अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा। जब आपसे कहा जाए दाएं से नौवां अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा तो आप यहां देखिए डायरेक्शन सेम होने के कारण वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो यहाँ दाएं से आ गया आपका चौथा अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा अक्षर तो होता नहीं, इसके लिए हमने एक क्या बनाया था, सूत्र बताया था आपको, फार्मूला दाएं बाएं अक्षर फाइंड आउट करने के लिए 27 में से दाएं अक्षर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमने आपको बताया था। जब आप सॉल्व करेंगे तो दाएं बाएं अक्षर जो आपका आएगा L23, तो बाएं अक्षर जो तेईसवां बाएं अक्षर जो आया आपका निकल के आया W। तो वह अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तेईसवां अक्षर जो होता है W होता है। जब कंडीशन ऐसी आए, अगर बाएं से कंडीशन है, बाएं से प्रश्न में दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रश्न में जब आप सॉल्व करेंगे दाएं से अगर सीरीज की शुरुआत होती है तो दाएं टर्म को हम बाएं टर्म बनाने के लिए 27 से माइनस करेंगे, वही हमने यहाँ अप्लाई किया। आपके सामने एक प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के बाएं
तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आपसे कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसमें आप देखिए बाएं से सातवां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कहा गया है, तो जब डायरेक्शन सेम होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी। जब माइनस कर देंगे तो आपका बाएं से चौथा अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर डी होता है, तो आपके प्रश्न का उत्तर निकल के आ गया डी। ठीक है, ये तो भी यूजुअल की बात। अगर हम प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि रिवर्स अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, तब हम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, आइए उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए एक एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रखने पर, जब आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रख दिया जाए, तो प्रश्न को हल कैसे करेंगे, तो एक एक प्रश्न को पहले ड्राइव करेंगे फिर हम सीखते हैं आगे। विपरीत वर्णमाला होती क्या है, हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं, ए टू जेड सीरीज पढ़ते थे, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, हमने कह दिया विपरीत कह दिया। जब विपरीत कह दिया तो आपकी सीरीज जो बनेगी Z टू A बनेगी। इतनी समझ में बात आई आप लोगों के, Z टू A का मतलब हम लोग सीरीज को डिनोट जो करेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B, W, X, Y, Z, ठीक है। हम इस सीरीज को अपोजिट क्रम में लगा दिया, रिवर्स क्रम में लगा दिया, यानी Z टू A सीरीज बनाई। इसमें भी कंडीशन वही होती है कि A वाला टर्म जो होगा ये राइट होगा और Z वाला टर्म यहाँ से जो बना ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, आपसे इसमें प्रश्नों की शुरुआत जो प्यारे मित्रों होगी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में रखने पर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने अभी आपसे बात की थी कि जब विपरीत डायरेक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में वैल्यू ऐड हो जाती है, ऐड होने पे आपका निकल के आया यहाँ बाएं से सोलहवां अक्षर। हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं विपरीत वर्णमाला के कर रहे हैं, तो जो हमारा लास्ट में जो वैल्यू आएगी हम उसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो लेफ्ट है ना, जब लेफ्ट का रिवर्स करेंगे तो किस में होगा, लेफ्ट का अगर रिवर्स करेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे, राइट बताएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा राइट से सोलहवां अक्षर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सोलहवां अक्षर तो हम निकाल नहीं सकते, तो दाएं से सोलह अक्षर जब नहीं निकाल सकते तो ऐसे में कंडीशन हमने आपको यूजुअल में बताई थी कि बायां अक्षर फाइंड आउट करने के लिए हम 27 में दायां टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ये कंडीशन आ गई है कि बायां अब दायां सोलह टर्म निकला है, तो बायां पर निकालने के लिए हम 27 माइनस दाएं से सोलहवें अक्षर को माइनस कर देंगे, तो एलवा पर जो निकल के आपके सामने आएगा 11, तो बाएं से ग्यारहवां अक्षर जो निकला आपका के हुआ। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ग्यारहवां अक्षर के होता है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया। आइए एक एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं।
आपके सामने एक प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से नौवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न में कह रहा है बाएं से नौवां अक्षर, बाएं से नौवां अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। आप लोगों को पता है ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होने पर जो बाएं से आएगा सोलहवां अक्षर, जब बाएं से सोलहवां अक्षर आया हम विपरीत क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं तो ये दाएं से सोलहवां हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से सोलहवां अक्षर तो निकाला नहीं जा सकता, तो जब दाएं से सोलहवां अक्षर नहीं निकाला जाएगा तो हम बाएं अक्षर फाइंड आउट करने के लिए 27 से दाएं अक्षर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाएं अक्षर निकालने के लिए 27 माइनस आर 16 कर देंगे, आपका बाएं से ग्यारहवां अक्षर आ जाएगा। बाएं से ग्यारहवां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में के होता है जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अगर कंडीशन ये हो जाती कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो जब प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं सातवां, तो डायरेक्शन यहां क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है। हमने आपसे बताया था जब सेम डायरेक्शन आएगी तो दोनों वैल्यू आपस में घट जाती हैं, तो आपका दाएं से निकल के आया ग्यारहवां अक्षर। हम सीरीज जो सॉल्व कर रहे हैं रिवर्स सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो लास्ट में उत्तर आएगा हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो दाएं से ग्यारहवां है तो रिवर्स जब करेंगे तो बाएं से ग्यारहवां अक्षर। तो आप सभी जानते हैं कि बाएं से ग्यारहवां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में के होता है। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर ये निकल के आया। जब कंडीशन ये होती आपसे प्रश्न पूछा जाता अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा है बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। सेम डायरेक्शन होने का वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपका आएगा बाएं से छठा अक्षर। तो हम रीच जो कर रहे हैं रिवर्स रीच कर रहे हैं, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा, राइट क्या आएगा छठवां अक्षर आएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि
दाएं से छठा अक्षर होता नहीं है, तो हम आपसे बात कर चुके हैं कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो एलवा पद निकालने के लिए 27 माइनस दाया पद कर देते हैं, दाया पद कर देते हैं। जब आप दाया पद कर दिए तो आपकी वैल्यू जो निकल आएगी एल बराबर 27 माइनस आर 6, वैल्यू आ गई एल का मान निकल के आया 21। एल 21वां पद जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में यू होता है, आपके प्रश्न का उत्तर यू निकल के आया। ये तो बात हुई, हमने अभी तक पढ़ा यूजुअल और रिवर्स। लेकिन कंडीशन अगर आ जाती प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, तब हम प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे उनको हम सीखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में रखने पर यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रखने पर, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात कर रहा है। यहाँ कंडीशन हो रही है फर्स्ट हाफ रिवर्स। जब प्रश्न में ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए, तब हम ऐसे प्रश्नों की शुरुआत कैसे करेंगे। आपसे एक प्रश्न दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में रखने पर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा। जब आपसे ऐसा कहा जाए कि नौवां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट और राइट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, यहाँ आपका निकल के आएगा एल सोलवा अक्षर। तो एल सोलवा अक्षर, तो एक छोटा सा नोट पहले हम देख लेते हैं कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, यदि प्रथम अर्धांश के प्रश्नों से संबंधित है, प्रथम अर्धांश की हम लोग बात कर रहे हैं कि जब विपरीत क्रम में इसको रख दिया जाएगा, विपरीत क्रम में रखेंगे, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए, तब हम वैल्यू को 14 से माइनस कर देते हैं, ठीक। लेकिन कंडीशन सेकेंड यहां पे जब अप्लाई करेंगे, यदि वैल्यू 14 से अधिक आए, तो ज्यों का त्यों उत्तर देंगे, ठीक। तो यहां हमारा क्या है, प्रथम अर्धांश का प्रश्न था, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, ये 14 से अधिक आ रही है या 14 से अधिक है, तो हम वैल्यू जो कहते हैं रखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो 16 अक्षर होता है आपका होता है पी। प्रश्न का उत्तर आपका निकल के आया पी। अब आइए एक एक प्रश्न को हल करके देखते हैं।
नंबर क्वेश्चन नंबर 5 अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ट्राई देखें, बाएं से सातवां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर पूछ रहा है, तो आप ये देखिए डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वैल्यू हमने क्या बताया था, ऐड हो जाती है। ये कंडीशन आपको हमने बताई थी, जब आप ऐड करेंगे तो बाएं से कौन सा अक्षर निकल गया, ग्यारहवां अक्षर निकल गया। आप ये बताइए, ये जो वैल्यू निकल के आई है 13 या 13 से कम है ना, तो जब 13 से कम है तो हम इसको क्या निकालें, उत्तर फाइंड आउट निकालने के लिए हम इसको 14 से माइनस कर देंगे। एल गया ना, अच्छा जब माइनस करेंगे तो आपकी निकल के आएगा बाएं से तीसरा अक्षर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरा अक्षर जो होता है सी होता है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सी। अगर आपसे प्रश्न में ये कह दिया होता सीरीज आपकी दाएं से स्टार्ट होती तब हम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, आइए देखते हैं। दाएं से 15वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। जब आपसे कहा जाए दाएं से 15वां अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा, आप बताइए। ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है, दाएं से दायां है। जब दाएं से दायां है तो इसमें क्या होगा, वैल्यू आपस में माइनस हो जाएगी, तो दाएं से आपका क्या निकल के आया, जब वैल्यू माइनस करेंगे तो दाएं से आठवां अक्षर निकल के आया। तो पहले हम ये दाएं से जो आठवां अक्षर निकल के आया ना, पहले हम इसको किसको, इसको जो कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट, तो बाएं अक्षर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 27 से माइनस कर देंगे आर एट। तो आर एट जब माइनस करेंगे आपका निकल के आएगा बाया अक्षर जो होगा 19वां, यानी बाएं से 19वां। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर एस होता है। क्यों हमने इसको क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि आप ये बताइए जो एल 19 है ये 13 या 13 से कम तो वैल्यू है नहीं, ये वैल्यू जो है 14 या 14 से अधिक है, इसीलिए हमने प्रश्न का उत्तर जो दिया जो कहते हो हमने रख दिया। तो बाएं से 19वां अक्षर जो आपका आएगा ऐसा आएगा, ठीक। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के क्रम को उल्टे क्रम में रख दिया जाए तो बाएं से
बारहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे बाएं से सीरीज स्टार्ट हो रही है, जैसा कह रहा प्रश्न में उसी तरह आप लिखेंगे, बाएं से बारहवें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन होगा। डायरेक्शन सेम होने के कारण वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो बाएं से आपका निकल के आएगा पांचवा अक्षर। ये बताइए आप हमें, जो बाएं से पांचवा अक्षर है ये 13 या 13 से कम है। जब 13 या 13 से कम है, प्रथम आधार के प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू को क्या करेंगे, 14 से माइनस कर देंगे L5। तो आपका वैल्यू निकल के आई बाएं से नौवां अक्षर। बाएं से जो नौवां अक्षर होता है आप सभी लोग जानते हैं I होगा। आपका प्रश्न का उत्तर होगा I।